अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए 24 घंटे में 1,00,000 से अधिक आरक्षण प्राप्त किया। ओला इलेक्ट्रिक को बुकिंग आरक्षण शुरू होने के एक दिन के भीतर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए 1,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हो जाती है, जिससे यह लॉन्च से पहले दुनिया में सबसे पहले से बुक किया गया स्कूटर बन जाता है। या तो कंपनी का कहना है, हाईलाइट ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए किए गए 1,00,000 से अधिक आरक्षण। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बुकिंग 15 जुलाई 2021 से शुरू हुई। कीमतों और विशिष्टताओं की घोषणा की जानी बाकी है। ओला इलेक्ट्रिक ने प्री बुकिंग शुरू होने के 24 घंटे से भी कम समय में अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए 1,00,000 से अधिक आरक्षण प्राप्त करके एक तरह का रिकॉर्ड बनाया है। इच्छुक ग्राहक कंपनी की वेबसाइट पर लॉग इन कर स्कूटर को ₹499 बुकिंग राशि पूरी तरह से वापसी योग्य है। अब बुकिंग शुरू होने के साथ हमारा मानना कि स्कूटर आने वाले हफ्तों में लॉन्च होने की संभावना है, शायद इस महीने ही। आश्चर्य की बात यह है कि जनवरी और जून 2021 के बीच भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की कुल बिक्री 30,000 यूनिट रही। कंपनी का कहना है कि उसे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की अभूतपूर्व मांग मिल रही है। ओला के चेयरमैन और ग्रुप सीईओ भावेश अग्रवाल ने कहा, मैं अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पूरे भारत में ग्राहकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया से रोमांचित हूँ। अभूतपूर्व मांग उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को ईवीएस में स्थानांतरित करने का एक स्पष्ट संकेतक है। यह हमारे लिए एक बड़ा कदम है, दुनिया को स्थायी गतिशीलता में बदलने का मिशन। मैं उन सभी उपभोक्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ओला स्कूटर बुक किया है और ईवी क्रांति में शामिल हो गए हैं। यह केवल शुरुआत है। जो ग्राहक अभी अपना ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर रिजर्व करते हैं, उन्हें स्कूटर की डिलीवरी शुरू होने पर प्राथमिकता मिलेगी। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में 100-150 किलोमीटर की रेंज होने की संभावना है और इसमें रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, क्लाउड कनेक्टिविटी, अलॉय व्हील्स, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अप फ्रंट और बहुत कुछ जैसे फीचर्स मिलते हैं। पहले जारी किए गए एक वीडियो में स्कूटर को बड़े अंडर सीट स्टोरेज, अच्छा त्वरण और सेगमेंट लीडिंग रेंज के रूप में दिखाया गया है। बेशक तकनीकी विशिष्टताओं के बारे में सटीक विवरण अभी जारी नहीं किया गया है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का निर्माण तमिलनाडु में ओला इलेक्ट्रिक के संयंत्र में किया जा रहा है, जो उद्योग 4.0 मानकों को पूरा करता है, जिसकी प्रति वर्ष 10 मिलियन इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्थापित क्षमता होगी। चरण एक में क्षमता प्रति वर्ष 2 मिलियन यूनिट होगी। संयंत्र में 10 सामान्य असेंबली लाइनें होंगी और यह हर 2 सेकंड में एक स्कूटर और प्रतिदिन 25,000 बैटरी को रोल आउट करने में